हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी, और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मेडिसिन के बारे में, एक ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में जो पॉलीपेप्टाइड ग्रुप का है। और आपको बता दें कि यह ओरली भी यूज़ होता है और इसको टॉपिकली भी यूज़ करते हैं, इसको एज एन इनहेलेशन भी यूज़ करते हैं और एज एन इंजेक्शन भी यूज़ किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका इनहेलेशन यूज़ कैसे करेंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं, आप समझ चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं कोलिस्टिन की, यानी कोलिस्टिन मिथेट सोडियम की, जो कि पॉलीमिक्सिन ई के भी नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि 1980 में इसकी एंट्री हुई थी हमारे फार्मास्यूटिकल मार्केट में, बट ये आउटडेटेड हो गया था ड्यू टू इट्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और ये रिजर्व एंटीबायोटिक की कैटेगरी में था। बट जैसे जैसे हमारे रेजिस्टेंस केसेस बढ़ते गए, वैसे वैसे हमारे जो कहते हैं ना कि मेडिसिन कम्युनिटी के लोग हैं, उनको नीड होती गई, फिर दोबारा ये रिवाइव हुआ। और आपको बता दें, जैसे हमने बताया, ओरल, टॉपिकल, इनहेलेशन और इंजेक्टेबल के रूप में यूज़ किया जाता है। और अब बात आती है कि यहाँ पे इनहेलेशन के यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको हम बता दें कि जैसे जो भी पेशेंट हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के, नोजोकोमियल निमोनिया या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के, हालांकि वेब में इसके यूजेस कम हैं, बट अगर हम बात करें हैप की या नोजोकोमियल निमोनिया की, तो वो भी स्पेसिफिकली, जैसा कि पता है इनके जो कल्प्रिट्स होते हैं, दीज आर पाक, PAK, पी स्टैंड्स फॉर सीडोमोनस हेरिजिनोसा, ए फॉर एसिनोटोबैक्टर बाउमेनाइन एंड के फॉर क्लैप्सिला। ये जो कल्प्रिट्स हैं, ये इतना सीवियर इन्फेक्शन कास करते हैं, ये ICU सेटअप में पेशेंट की मॉर्टेलिटी को, मॉर्बिडिटी को, और इनफैक्ट जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी है, उन सबको इंक्रीज करते हैं और हॉस्पिटल स्टे को भी बढ़ाते हैं। तो ऐसे में एक सीवियर कंसर्न रहता है कि पेशेंट हमारा जल्दी ठीक हो, रिकवर करे, तो हम अल्टरनेटिव थेरेपी मोड क्या हो सकता है। तो कोलिस्टिन को इनहेलेशन के रूप में यूज किया जाने लगा, चूँकि लोकल एक्शन रहा और ये निमोनिया में काफ़ी अच्छा रिलीफ देने लगा। तो यहाँ पे बात आती है, हम अगर कोलिस्टिन को इनहेलेशन के रूप में यूज़ करना है तो वेदर इट इज़ अप्रूव्ड बाई DCGI इन इंडिया और नॉट। DCGI स्टैंड फॉर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको हम बता दें, DCGI हैज़ अप्रूव्ड द कोलिस्टिन फॉर द इनहेलेशन। यहाँ पे देखिए, हम सबसे बड़ा कंसर्न होगा हमारे जो फार्मा मार्केटिंग में क्रिटिकल केयर सेगमेंट में लोग वर्क कर रहे हैं, कि अगर हम किसी भी हॉस्पिटल सेटअप में, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें न्यूरोनेरोलॉजिस्ट की, या फिर जो भी हमारे फिजिशियंस हैं या ICU इंचार्ज हैं, अगर हम जाते हैं बताने इसका इनहेलेशन के रूप में यूज़, तो यहाँ पे अगर नर्सिंग स्टाफ को हमें गाइड करना है कि हाउ टू प्रिपेयर द इनहेलेशन सॉल्यूशन, हम कैसे रेडी करेंगे। तो जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि जनरली आप देखिए, बहुत सारी कंपनीज के 0.5 MIU स्टैंड फॉर मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स, क्योंकि कोलिस्टिन को MIU में ही अवेलेबल है, तो 0.5 MIU, 1 MIU, 2 MIU, 3 MIU, 4.5 MIU के स्ट्रेंथ अवेलेबल हैं। बट अगर हम बात हम इनहेलेशन की करेंगे तो 0.5 MIU, 1 MIU प्रीफर्ड होता है। यहाँ पे हम बात करें कि जैसे अगर आपको कोलिस्टिन की 0.5 MIU और 1 MIU का आपका इंजेक्टेबल है और आपको इनहेलेशन के रूप में यूज़ करना है, तो हम सॉल्यूशन कैसे रेडी करेंगे और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, और सॉल्यूशन रेडी होने के बाद हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसकी डोज क्या है, ड्यूरेशन कितने दिन तक देना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम इन चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम कोलिस्टिन इनहेलेशन प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेंथ 0.5 1 MIU को यूज़ करेंगे, और इसका इनहेलेशन में यूज़ DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। यहाँ पे एक मैंने एक मॉडल के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। आप देख सकते हैं कि जैसे कोलिस्टिन का ये वायल है, जैसे 0.5 का या 1 MIU का, तो जैसे हमने लिया, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 0.5 या 1 MIU का हमने वायल लिया, हमें रेडी करना है, साथ में स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन होगा। आप देखिए यहाँ पे, अगर हम दोनों को हमने बाइफर्केट किया है, अगर आप 0.5 MIU का सोल्यूशन रेडी करते हैं तो आप 2 ml स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इसमें ऐड करेंगे, सेक करेंगे। और देखिए, सेक करने का एक मैं तरीका इसमें बता दूं कि आपको जब भी सेक करना है, सपोज कीजिए वायल है, आपने इसमें स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड किया, तो आप इसको सिंपली ऐसे करेंगे, 60 सेकंड्स का या 70 सेकंड समय देंगे, तो अपने आप देखेंगे ये सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसके बाद आप इसमें 1 ml NS स्टैंड फॉर नॉर्मल सेलाइन 0.1 ऐड करेंगे, ये सॉल्यूशन आपका इनहेलेशन के लिए रेडी हो गया 0.5 MIU का। और अगर 1 MIU का रेडी करना है तो आपको 4 ml स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इसमें ऐड करना है, सेम प्रोसेस सेक करेंगे, और फिर NS 0.9% 2 ml इसमें ऐड करेंगे, और ये आपका इनहेलेशन सॉल्यूशन रेडी हो गया। यहाँ पे
तो सोल्यूशन रेडी हो गया। अब देखिए आपका, अब देखिए सोल्यूशन रेडी होने के बाद आपका जो नेबुलाइजेशन कप है उसमें यह सोल्यूशन यूज़ करेंगे आप, और बाकी कभी कभी ऑक्सीजन चैनल के थ्रू भी दिया जाता है, तो अलग अलग तरीके होते हैं ये, डिपेंडिंग अपॉन द वेंटिलेशन या आईसीयू में क्या अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग नेबुलाइजेशन का ये अरेंजमेंट देखा जा सकता है। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लर्न करने का, कि जो भी आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है उसको विद 24 आवर यूज़ करना आप। तो देखिए जैसे मैंने बताया ना कि आपने प्रिपेयर्ड सोल्यूशन जो है उसको विद इन 24 आवर यूज़ करना है, और साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, ठीक है। और देखिए डोज की हम बात करें तो 0.5 mU से लेकर के 6 mU तक का डिवाइडेड इनटू 3 या 4 डोज, ये अलग अलग डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड सीवियरिटी ऑफ द इलनेस। और ड्यूरेशन है 3 days to 10 days तक ही जा सकता है, ये भी सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो ये रहा हमने बताया कोलिस्टिन इनहेलेशन प्रिपरेशन के बारे में। बाकी अगली वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ मुलाकात होगी, और बाकी हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना अफेक्शन ऐसे बनाए रखिए, और अपने कमेंट जरूर कीजिए ताकि अगर जहाँ भी कमियाँ मैं उनमें और सुधार करूँ, आपको और क्वालिटी कंटेंट पेश करूँ। जय हिंद, जय भारत।